देहरादून के मेयर विनोद चमोली को सूबे के खेल एवं वन मंत्री ने कटघरे में खड़ा किया है। वन मंत्री ने कहा, जब डेंगू के आतंक का पानी देहरादून की जनता के सिर से ऊपर बहने लगा है, तब देहरादून के मेयर साहब को फॉगिंग मशीन की याद आ रही है। उन्होंने देहरादून के मेयर को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि क्या मेयर साहब को अब तक पता नहीं था कि उनके नगर निगम में फॉगिंग मशीन जैसी जरूरी सामान नहीं है। अब जनता डेंगू से जूझ रही है तो अब राज्य सरकार से छिड़काव करने वाली फॉगिंग मशीन मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहावत के तौर पर मेयर साहब पर वार करते हुए कहा कि मेयर साहब को पता नहीं है कि बॉर्डर पर लड़ाई हो या ना हो, हिफाजत पर तैनात सिपाही हमेशा बंदूक के साथ पहरा देते हैं। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जिस समय मुख्यमंत्री सड़क पे उतरते हैं, गलियां साफ करने की बात कहते हैं और ये कहते हैं कि डेंगू फैलता जा रहा है, मशीनें खरीदिए, फॉगिंग कराइए और फिर पैसे का अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद फॉगिंग की मशीनें खरीदी जाती हैं। कितनी बात है कि हमारे पास मशीनें नहीं थी, क्या निगम के पास इतना फंड नहीं था कि वो पहले से ही डेंगू के फैलने पे इतनी मशीनें खरीद के फॉगिंग कराता कि जिससे जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो कहीं ना कहीं रुकती। देहरादून शहर आज गंदगी का पर्याय बन चुका है। आज देहरादून में जिस तरह से गंदगी का साम्राज्य है, उसको सफाई करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। हम उस जिम्मेदारी को अपने ठीक से वहन नहीं कर पा रहे, दूसरी चीज़ों में हम राजनीतिक दृष्टिकोण अपना रहे। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति करने के लिए समय है, जब राजनीति का समय आएगा तब लोग राजनीति करें। आज जो कर्म उनको दिया गया, जो जगह उनको दी गई है, जो उनको दायित्व दिया गया, उसका निर्वहन तो करें। देवभूमि न्यूज़ देहरादून।